See, happy people, so you see this, these people are so happy. Happiness is very, very subjective. You can even find happiness in this kind of weather. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मरीन मंत्रा। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है कि रफ वेदर जब मिलता है सी में तो हमारा शिप कैसे चलता है और हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं, बाकी लोगों पे क्या क्या असर पड़ता है। जैसा कि आप लोगों का बहुत का सवाल रहता है कि भैया समुद्र तो खराब मिलता होगा सेलिंग में, तो उस समय आप लोग क्या करते होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे काम करते होंगे। तो भैया सोते भी है और काम भी करना पड़ता है, मुश्किल तो होती है। तो आइए पहले आपको दिखाना शुरू करते हैं मौसम का हाल क्या है। मौसम का हाल कुछ ऐसा है, तो यहाँ आपको विंड स्पीड अगर आपको दिख रही होगी इस समय, चलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ समझाते हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा नहीं हिल रहा है। ओके, ये जो दिख रहा है आपको ना, बेसिकली ये है शिप का स्पीड। अभी विंड मैंने आपको दिखाया था, ये है शिप का स्पीड, यानी कि 0.81 नॉट, यानी कि शिप ऑलमोस्ट रुका हुआ है सामने से स्वेल है ना, जिसके कारण जहाज का चल पाना बहुत बहुत मुश्किल है भाई साहब। बस हम लोग कैसे भी जहाज को खड़े रखे हुए एक जगह पे, एक डायरेक्शन की ओर। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू इज, पहले तो यार बैलेंस बना के खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। तो बाहर मैं आपको जाके विंड की आवाज़ सुनाता हूँ, सिर्फ हवा का आवाज़। वैसे मैंने माइक के ऊपर एक मर लगा रखा है तो आवाज़ थोड़ा सा कट के आएगा ताकि मेरा आवाज़ क्लियर है, बट स्टिल यू विल गेट टू नो। और ज़्यादा नीचे मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो जान पे खेल के वीडियो बनाने का मतलब तो बनता नहीं है ना जान पे खेल के। तो जस्ट यहीं से आपको आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई होगी, पता नहीं मेरा आवाज़ कितना आ रहा है। ओके, ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता, ज़्यादा नीचे से आपको वेव्स और बड़े दिखेंगे, बट इतना नीचे गया तो मैं जाऊँगा अभी। देखो बेसिकली खाने के टेबल पे ये जो आपको पिंक दिख रहा है, ये एंटी स्किड मैट्स है ताकि स्लिप ना करे चीज़ें, वरना सब नीचे गिर जाएगा। वैसे तो अभी इतना रोलिंग है नहीं क्योंकि जहाज लोडेड है, तो जहाज जब लोडेड कंडीशन में कहीं भरा हुआ होता है तो बहुत हद तक बैलेंस होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। भैया हैमर की तरह मारता है जहाज पानी पे, सोच लो इस समुंदर पे, बट स्टिल सर्वाइव करता है क्योंकि ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है। बट स्टिल अभी लोडेड है इसलिए जहाज कम हिल रहा है, वरना ये सारी चीज़ें गिरनी पड़नी शुरू हो जाती है, खाना ऐसे लगा नहीं सकते हो। बट ये एंटी स्किड मैट है, एंटी स्किड मैट्स है, इन मैट्स ने इनको संभाल के रखा हुआ है। तो अभी बैठ कैसे खाएंगे, चेयर टेबल पकड़ के बैलेंस करके। अरे रिकॉर्डिंग चालू नहीं है भाई, आप बोलो। हाँ सर, मजा आ रहा है झूले का? हेलो जगन साहब, आइए खाना चाहिए। स्पीकिंग हिंदी। अभी आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने वाले जिसकी लगी पड़ी है रोलिंग पिचिंग के कारण, और ऐसा होता है, अक्सर होता है। मतलब दो चार लोग तो आपको मिलेंगे ही, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो मीटिंग वाले बकेट लेके बैठे रहते थे हॉलीवुड की सीरीज में, वैसे ही होता है। बट यहाँ बकेट लेके नहीं बैठते, बट रोलिंग लग के बेहोश तो पड़े होते हैं। ऐसे एक हमारे दुबे जी है, ये हमारे दुबे जी। दुबे जी क्या मतलब हाल चाल है आपके, से रोलिंग वोलिंग तो नहीं लग रहा? सर रोलिंग लग रहा है। ये देखिए, ये एक खिलाड़ी है, उनको चक्कर आया, बड़ा परे परे है, ठीक है, आराम से सो रही है, रसम बन रहा है आपके लिए नीचे। ये खुश है, तो किसी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे एंटनी पुराने खिलाड़ी है, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा रोलिंग वेलिंग से। क्या बोलते हैं आपके लिए कोई है? आपके लिए कुछ नहीं है ना, बट ऐसे पकड़ के तो खड़े रहना पड़ता है। मतलब भाई साहब अगर सीढ़ी वीढ़ी पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे मौसम खराब हो, चाहे मौसम बहुत खराब हो, जहाज हिल रहा हो, काम चालू रहता है शिप में, खाना पीना सोना जागना सब कुछ चालू रहता है, बस सब कुछ थोड़ी सावधानी के साथ। तो इस वीडियो को जैसे शूट किया गया है हिलते डुलते, वैसे इसको वीडियो को एडिट भी किया गया है, बहुत मेहनत लगा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अलविदा इस वीडियो से दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।